Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक ज्योमेट्री. ओके, लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया है अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर. आज स्टार्ट करेंगे अपना न्यू कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स. ओके, तो लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं. ठीक है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको क्लियर करना है रे क्या होती है हमारे पास. ठीक है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है. ठीक है, लाइन सेगमेंट. ठीक है, इन दो कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है. तो इसको क्लियर करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पॉइंट. ठीक है, पॉइंट क्या होता है हमारे पास. देखिए, पॉइंट हैज नो लेंथ विड्थ और थिकनेस. ठीक है, तो पॉइंट के पास ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है. ठीक है, ना उसके पास कोई लेंथ, ना विड्थ और ना उसकी थिकनेस. तो वो क्या है हमारे पास, पॉइंट है. वो क्या है, पॉइंट. ठीक है, तो पॉइंट आपके पास यही तो है. ये पॉइंट आपके पास जो इसको इस फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, तो इसके पास ना लेंथ है, ठीक है, ना ब्रेथ है इसकी, ना हाइट है. ठीक है, तो ये हो गई आपके पास पॉइंट की डेफिनेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं रे. रे क्या होता है हमारे पास, जिसमें आपके पास क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा. जैसे ये पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिया, मतलब ये पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ, तो वो क्या हो गई हमारी, रे हो गई. ठीक है, मतलब एक एंड, एक पॉइंट है हमारे पास, एक एंड पॉइंट होता है हमारे पास रे का. ठीक है, एक पॉइंट को आपने एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, या तो आप इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो और एक एंड पॉइंट उसमें प्रेजेंट होगा. क्लियर, तो इसको आप आगे की तरफ प्रोड्यूस कर सकते हो, इसका दूसरा एंड पॉइंट नहीं होगा. ठीक है, इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होगा, इसको इस साइड आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते. क्लियर, अच्छा ये भी रे हो सकती है हमारे पास, ये इसका एंड पॉइंट है और इसको आप लेफ्ट साइड की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हो. क्लियर, तो ये हो गई आपके पास रे की डेफिनेशन. क्लियर, मतलब जहां पे आप एक एंड पॉइंट प्रेजेंट हो और उस एंड, उस पॉइंट से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, किसी डायरेक्शन में, तो वो हो गई आपके पास रे. लाइन सेगमेंट क्या है, यहां पे कितने एंड पॉइंट प्रेजेंट होंगे, टू एंड पॉइंट प्रेजेंट होंगे हमारे पास, टू एंड पॉइंट्स प्रेजेंट. क्लियर, तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दिए, क्या फॉर्म हो जाएगी, लाइन सेगमेंट. क्या फॉर्म हो गई, लाइन सेगमेंट. और ये स्ट्रेट होगी, कैसी होगी, स्ट्रेट इस फॉर्म में. ठीक है, तो दो एंड पॉइंट प्रेजेंट है, मतलब आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस है, कि रे को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, एक ही एंड पॉइंट प्रेजेंट है, इसको आप एक डायरेक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन जो लाइन सेगमेंट है उसमें दो एंड पॉइंट प्रेजेंट है, तो इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना आप लेफ्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो इसको, ना राइट में. ठीक है, तो राइट डायरेक्शन में भी ये प्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेफ्ट डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती आपकी लाइन सेगमेंट. ठीक है, लेकिन अब जो वर्ड आता है आपके पास लाइन, लाइन क्या होती है, अभी हमने जो बात करी है वो पॉइंट की बात करी, हमने बात करी लाइन सेगमेंट की. ठीक है, और हमने लास्ट हमने यहां पे देखा रे. ठीक है, अब बात करते हैं लाइन क्या होती है. ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंस है, एक वर्ड है लाइन, दूसरा वर्ड है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट, ओके, लाइन सेगमेंट क्या है, दो एंड पॉइंट जिसके प्रेजेंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दिए, क्या फॉर्म हो गई, लाइन सेगमेंट. लाइन क्या होती है हमारे पास, लाइन क्या होगी, जिसका एंड पॉइंट प्रेजेंट ही नहीं है. ठीक है, ना लेफ्ट साइड है, ना राइट साइड है, तो वो क्या हो गई आपकी, लाइन हो गई. इसको आप आगे की तरफ प्रोड्यूस कर सकते हो, लेफ्ट डायरेक्शन से भी, राइट डायरेक्शन से भी. ठीक है, इनफाइनाइटली आप प्रोड्यूस कर सकते हो इसके पॉइंट्स को, मतलब ये इसका कोई एंड पॉइंट तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसको आप कोई भी डायरेक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हो. ये बात हो गई लाइन की. ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं. A geometrical line which has length, ठीक है, इसके पास क्या है, length present है, किस में, line में, which has neither width nor thickness, इसके पास line में length तो present है, लेकिन इसकी breadth नहीं होगी, इसकी height नहीं होगी. ठीक है, width नहीं होगी, ना इसकी thickness होगी. It can be extended endlessly in both direction, ठीक है, इसको आप infinity तक extend कर सकते हो, दोनों direction से, left से भी, right से भी, किसको, line को. लेकिन लाइन सेगमेंट को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते बोथ डायरेक्शन में, क्योंकि ये आपके पास प्रेजेंट है इसमें दो एंड पॉइंट. ओके,
वहीं रे की बात करें, रे को आप एक्सटेंड कर सकते हो एक डायरेक्शन से और दूसरे डायरेक्शन में वहां पे क्या प्रेजेंट है, एंड पॉइंट, तो उसको प्रोड्यूस नहीं करोगे आप, क्लियर। तो ये फिगर के थ्रू आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। वहीं बात करें रे को, आप अगर ये लेफ्ट साइड एंड पॉइंट है उसका, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो राइट साइड में। अगर राइट साइड में एंड पॉइंट प्रेजेंट है तो इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो लेफ्ट साइड में। वहीं बात करें लाइन सेगमेंट की, तो इसको आप आगे की प्रोड्यूस राइट साइड भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते और लेफ्ट साइड भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट है, एंड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे प्लेन। प्लेन क्या है? अ प्लेन इज ऑल्सो अ सेट ऑफ पॉइंट्स। प्लेन क्या है? देखिए, जैसे लाइन पॉइंट क्या था, पॉइंट जिसकी लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, हाइट भी नहीं है। वहीं लाइन की बात करें तो लाइन में लेंथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ठीक है, मतलब जो आपके पास लाइन सेगमेंट है उसमें दो एंड पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही तो आपके पास लाइन सेगमेंट फॉर्म हुई, क्लियर। इसी तरीके से रे की बात करें, तो जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सारी चीजें आपकी फॉर्म होती है, ठीक है। तो अ प्लेन इज ऑल्सो अ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो प्लेन भी क्या है? एक पॉइंट का सेट है। अ सरफेस सच डेट अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग डेट ऑफ एनी टू ऑफ इट्स पॉइंट लाई होली इन द सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। प्लेन क्या है? जहां पे लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जहां पे लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ करी तो उसी को आप क्या कहोगे, प्लेन, ठीक है। ये भी क्या है आपका? प्लेन क्या है? पॉइंट का कलेक्शन है, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स। A surface such that a straight line joining that of any two of its point, मतलब आपका वो सरफेस जहां पे एक दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन लाई कर रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स आपको पता है जो लाइन है उसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, क्लियर। एक लाइन में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है, मतलब पास हो सकती है, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट है तो इसको आप इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हो, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है? एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, क्लियर, और एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है, लास्ट वीडियोस में। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई करें, मोर देन टू, ठीक है, मतलब मोर देन टू पॉइंट्स जब लाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब मोर देन टू पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे, मतलब दो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में और तीसरा पॉइंट अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उससे क्या फॉर्म होता था, ट्राइंगल, क्लियर। नेक्स्ट यहां पे यही आपको डिफाइंड है, थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स लाई आर सेट टू बी कोलिनियर इफ देयर इज अ लाइन विच कंटेन देम ऑल, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? ये आपके पास तीन पॉइंट है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर गए तो वो क्या हो गए आपके, कोलिनियर हो गए। क्या ये कौन से पॉइंट हो गए आपके पास? कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। वहीं नॉन कोलिनियर की बात करें, ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये दो पॉइंट्स हैं और तीसरा पॉइंट आपके पास ये, तो ये क्या होगा आपके पास, नॉन कोलिनियर। तो इससे क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, राइट, एक ट्राइंगल, क्या फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल, क्लियर। तो ये सब हम डिस्कस करा था हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, एरिया जो हमने फाइंड करा था ट्राइंगल का, तो पॉइंट्स कोलिनियर गिवन होते थे वहां पे, और जब कोलिनियर होते हैं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ट्राइंगल तो फॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट से, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे, तो इस फॉर्म में फिगर ड्रॉ हुई थी, ठीक है, जिससे हमने फाइंड करा था उसका एरिया, क्लियर। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइन्स। थ्री और मोर देन थ्री लाइन आर सेट टू बी कॉन्करेंट इफ ऑल ऑफ देम हैव अ सेम कॉमन पॉइंट्स, सेम कॉमन पॉइंट्स। जैसे ये एक लाइन है, ये हमने यहाँ पे जो ड्रॉ करा है वही है, एक कॉमन पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, ठीक है, थ्री और मोर देन थ्री, ठीक है, तीन और तीन से ज्यादा जब आपके पास लाइन जो है पास हो रही हो एक कॉमन पॉइंट से, तो वो क्या हो जाएंगी, कॉन्करेंट लाइन्स, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एंगल की। नेक्स्ट क्या आती है हमारे पास बात, एंगल। एंगल क्या होते हैं, पहले यहाँ पे इसको करेक्ट कर लिए, ये टू और मोर देन कितने होंगे, टू और यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए मोर देन टू पॉइंट्स लाई, ठीक है, आर सेट टू बी कोलिनियर इफ देयर इज अ लाइन विच कंटेन ऑल ऑफ देम, ठीक है। मोर देन टू पॉइंट जब लाई करेंगे जबी तो कोलिनियर होंगे, ठीक है। अगर आपके पास वहां पे क्या सपोज कर लिए, यहाँ पे टू पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, और एक पॉइंट जो है अपवर्ड है, तो वो क्या हो गया, नॉन कोलिनियर, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना वहां पे, ठीक है। तो मोर देन टू पॉइंट्स लाई, ठीक है, आर सेट टू बी कोलिनियर। नेक्स्ट बात आती है एंगल। एंगल क्या है, एक कॉमन पॉइंट से आपने रे को एक्सटेंड कर दिया, क्या फॉर्म होगा, एंगल, ठीक है। जैसे रे हमारे पास क्या थी, जिसका एक ही एंड पॉइंट है, तो ये एंड पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये कॉमन पॉइंट है, इसको आप प्रोड्यूस कर दो, क्लियर। तो ये क्या फॉर्म करेगा आपका, एंगल, इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट क्या है उसका, कॉमन है, यही तो एंड पॉइंट आपके पास, क्लियर। तो ये क्या फॉर्म हो गया आपका, एंगल, ठीक है। ये क्या फॉर्म हो रहा है आपका, एंगल, ठीक है। मतलब एक कॉमन पॉइंट से आपने दो रे को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, उसके एंड पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास एन एंगल थीटा इज सेट टू बी, मतलब जो एंगल है हमारे पास थीटा, वो क्या हो सकता है, या तो एक्यूट होगा, या राइट एंगल होगा, या ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है, या स्ट्रेट एंगल होगा, या रिफ्लेक्सिव। तो ये होते हैं आपके पास एंगल, ठीक है। तो एंगल आपका या तो एक्यूट होगा, एक्यूट मतलब थीटा थीटा जो है 90 डिग्री से लेस है, एक्यूट। राइट एंगल, थीटा जो है 90 डिग्री के इक्वल है, ओके। ऑब्ट्यूज, थीटा जो है आपका थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर है, 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेस है, ठीक है। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, 90 डिग्री से ग्रेटर, ठीक है, थीटा है और 180 डिग्री से लेस है, ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, थीटा जो है आपका 180 डिग्री के इक्वल है, 180 डिग्री, क्लियर। रिफ्लेक्सिव एंगल, थीटा जो है आपका 360 डिग्री से लेस है, 360 डिग्री से स्मॉल, वो क्या होगी आपका, रिफ्लेक्सिव एंगल। इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एंगल का फॉर्म होगा जब आप एक एंड पॉइंट से दो रे को एक्सटेंड कर रहे हो, तो ये एक एंड पॉइंट है, उससे आपने दो रे को एक्सटेंड कर दिया, क्या फॉर्म हो गया, एंगल। और ये कौन सा एंगल है आपका, एक्यूट एंगल, क्योंकि यहां थीटा क्या है आपका, लेस देन 90 है, लेस देन 90। नेक्स्ट हमने एक एंड पॉइंट से दो रे को एक्सटेंड करा और यहां पे फॉर्म हो गया हमारा 90 डिग्री, तो थीटा क्या है हमारे पास, 90 डिग्री, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या, सॉरी, राइट एंगल, ठीक है, सिर्फ ये क्या है, राइट एंगल, और ये क्या है आपके पास, एक्यूट एंगल, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा आपके पास, एक एंड पॉइंट से आपने दो रे को एक्सटेंड करा, क्या फॉर्म हो गया हमारे पास यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा क्या है, 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से क्या है, स्मॉल है, ओके। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या है, थीटा जो है आपका 180 डिग्री के इक्वल है, मतलब एक एंड पॉइंट से आपने दो रे को एक्सटेंड करा और थीटा क्या आ गया आपका, 180 डिग्री, तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल का मतलब क्या है, थीटा जो है 360 डिग्री से लेस है, तो ये एक है, एक पॉइंट, एक एंड पॉइंट से आपने दो रे को एक्सटेंड करा, क्या एंगल है हमारे पास, ये 360 डिग्री से लेस है, ठीक है, थीटा क्या है आपका, 360 डिग्री से लेस है, ओके। ये भी आपका रिफ्लेक्सिव एंगल है, एक एंड पॉइंट से दो रे को एक्सटेंड करा, क्या फॉर्म हो गया आपका, 360 डिग्री से लेस, तो थीटा आपका यहाँ पे भी 360 डिग्री से लेस है, तो वो क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव एंगल, ओके। ये क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, क्लियर। नेक्स्ट बोर्ड में हम डिस्कस करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सम एंगल रिलेशंस, ओके। एंगल रिलेशंस में हमें बात करनी होगी
एडजेसेंट एंगल की, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जब आप एक कॉमन एंड पॉइंट से, ठीक है, लाइन को एक्सटेंड कर रहे हो, रे को एक्सटेंड कर रहे हो, क्या फॉर्म हो रहा था, एंगल, ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल, और एक एंगल और आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, सपोज कर लिए ये एंगल क्या है आपके पास, ए एंगल है, और ये क्या है हमारे पास, बी है। तो ए क्या है, बी का एडजेसेंट है, और बी क्या है, ए का एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, बराबर वाला एंगल, ठीक है, एडजेसेंट का मीनिंग यही है हमारे पास। तो एडजेसेंट, ए का एडजेसेंट बी है, बी का एडजेसेंट ए है, तो ये हो गया आपके पास एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है, ये क्या था, एक एंड पॉइंट से दो रे को एक्सटेंड करा, और एक स्ट्रेट एंगल क्या होता है आपका 180 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास कुछ एंगल और गिवन है, ठीक है, एक और रे को आपने एक्सटेंड करा इस एंड पॉइंट से, क्या फॉर्म हो गया, एंगल। तो ये सपोज कर लीजिए ये एंगल है हमारे पास ए, क्या दे रखा है, थीटा, क्या है हमारे पास, एंगल थीटा। तो इतना एंगल आपके पास क्या होगा, 180 में से आप थीटा को लेस करोगे, वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो एंगल का सम, सपोज कर लीजिए ये ए है और ये है बी, तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा आपका, 180 डिग्री के इक्वल। ये एक बात हो गई लीनियर पेयर की, ठीक है, जहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाए और दो एंगल आपको गिवन है, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, किसके थ्रू, ये प्रॉपर्टी हमारे पास लीनियर पेयर, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, ये आपने एक एंड पॉइंट से दो रे को एक्सटेंड करा और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, 90 डिग्री, राइट एंगल आपको याद होगा 90 डिग्री, और एक इसी एंड पॉइंट से आपने एक और एंगल फॉर्म करा रे को एक्सटेंड करके, तो ये एक एंगल है ए, ये दूसरा एंगल है बी, या ये थीटा है, तो दूसरा क्या होगा, 90 में से थीटा को लेस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड एंगल आएगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये किसके थ्रू आपने फाइंड करा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू, क्योंकि ये है राइट एंगल और इसी राइट एंगल से एक लाइन ड्रॉ करी गई है, सॉरी एक रे को एक्सटेंड करा गया है, तो वहां पे क्या फॉर्म हो गया, इस 90 को डिवाइड कर दिया ए और बी में, तो दोनों का सम क्या होगा आपका, 90 डिग्री। तो ए प्लस बी क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री, किस प्रॉपर्टी के थ्रू, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है, लाइन, ये दो लाइन है हमारे पास, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे, ओके, ओ पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इसका, ये क्या होगा, अपोजिट होगा, और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। इसी तरीके से ये एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और प्रॉपर्टी क्या है, जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास ए है, ये बी है, ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ए ओ सी हमारे पास ये एंगल है, ये इसके इक्वल, और ये ए ओ डी इज इक्वल टू ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, ये बात हो गई आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 90 डिग्री, ये ए और बी का सम 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, दो एंगल का सम 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी के थ्रू, लीनियर, ठीक है, लीनियर पेयर के थ्रू। तो यहाँ पे एक रे से दो लाइन ड्रॉ करी और एक लाइन और एक रे और ड्रॉ करी, क्या फॉर्म हो गया हमारे पास, ये फॉर्म हो गया आपका एक लीनियर पेयर, ठीक है, क्योंकि ये एक टोटल क्या है, 180 स्ट्रेट एंगल है, तो यहाँ पे रे को जब आप ड्रॉ करोगे तो यह एंगल क्या हो गया, टोटल 180, ये डिवाइड हो गया थीटा और ये हो गया 180 माइनस थीटा, सपोज कर ली ये है 60, तो ये होगा 120, 180 में से 60 को लेस करोगे आप, ओके। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल क्या था, बराबर वाला एंगल, ये ए है तो ये बी है, ए क्या है, बी का एडजेसेंट, बी क्या है, ए का एडजेसेंट। इसी तरीके से एक और एंगल आपने ड्रॉ कर लिया, ये है सी, तो बी का एडजेसेंट इस साइड क्या है, सी है, सी का एडजेसेंट क्या है,
बी है, ओके ये बात हो गई एडजेसेंट एंगल की, क्लियर। तो अभी सिर्फ आप इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, ए का एडजेसेंट बी है, बी का एडजेसेंट ए है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन दे रखा है, तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और उसमें एक लाइन कट कर रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, दो पैरेलल लाइन थी, उस पर एक क्या कट रही है, लाइन कट कर रही है, तो वो क्या हो गई आपके पास, ट्रांसवर्सल, क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन, एल इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, क्योंकि देखिए ट्रांसवर्सल का मीनिंग क्या है, यहां पे दो लाइन थी जो पैरेलल थी, और तीसरी लाइन ने, थर्ड लाइन ने उसको कट कर दिया, जिससे यहां पे ये एंगल फॉर्म हो गए, ये एंगल, ओके। इसी तरीके से ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो गए, ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो ये एंगल जब फॉर्म हो रहे हैं किसके थ्रू, ट्रांसवर्सल के थ्रू, क्लियर। तो ट्रांसवर्सल की यही प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है, सारे एंगल्स को इक्वल कर देती है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ये सारी चीजें आपकी इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, जब भी दो पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल कट करेगी, ओके। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे यहाँ पे, सबसे पहले करेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स तो आपको क्लियर हो गया, ये ऑल्टरनेट एंगल है एक, ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्लियर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे के जो एंगल्स हैं यहाँ पे, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्लियर। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे यहाँ पे, जब आपके पास दो मतलब ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में, तो वहां पे करेस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास है ऑल्टरनेट एंगल और कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे आपके, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सबसे पहले देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है यहाँ पे, करेस्पॉन्डिंग एंगल ये जो हमारे पास है, ये एंगल और ये एंगल, ये वन है ये टू है, क्या है, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये थ्री और ये फोर, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल वन इज इक्वल्स टू टू, एंगल थ्री इज इक्वल्स टू फोर, किस प्रॉपर्टी के थ्रू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, ये एंगल है फाइव, ओके, और ये है हमारे पास सिक्स, ये है सेवन, ये है एट, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं, देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या क्या हो गए, वन इज इक्वल्स टू टू, थ्री इज इक्वल्स टू फोर, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे आपके पास, फाइव का करेस्पॉन्डिंग टू है, सिक्स का करेस्पॉन्डिंग फोर है, थ्री का करेस्पॉन्डिंग एट है, वन का करेस्पॉन्डिंग सेवन है। जैसे यहाँ पे ये आपके पास दो लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, और इसका ये करेस्पॉन्डिंग, इसका ये, क्लियर। तो ये भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास कौन कौन से, सिक्स और फोर करेस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, बताया ना, जब भी आपके पास दो पैरेलल लाइन थी उस पर ट्रांसवर्सल कट करी, तो वो आपके पास सारी प्रॉपर्टी क्या करेगी, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, और जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे अभी जब हम डिस्कस करेंगे वो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री, ठीक है, उसका सम 180 डिग्री होगा। देखिए 6 4 के इक्वल है करेस्पॉन्डिंग एंगल, 5 2 के इक्वल है करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है, 1 7 के इक्वल होगा, ये भी क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और 3 जो है आपका 8 के इक्वल, ये भी बात हो गई किसकी, करेस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट बात आती है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, बाहर वाले एंगल, इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले। तो जब आपके पास दो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल कट करी, तो जो भी अंदर वाले एंगल हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, मतलब 1 2 3 4, ठीक है, 1 एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, क्या है हमारे पास, इंटीरियर एंगल्स हैं, क्या है, इंटीरियर एंगल्स। वही बात करें एक्सटीरियर एंगल्स की, एक्सटीरियर बाहर वाले एंगल्स कौन कौन से, इसमें आप बताओ, एक्सटीरियर एंगल्स 5 6 7 8, ठीक है, तो 5 6 7 8, तो इसको हमें समझना क्यों है,
क्योंकि हम बात करें कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, थ्री और टू, ठीक है, थ्री और टू क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से हमारे पास, थ्री एंड टू, ठीक है, पेयर में हम लेते हैं इसे, ओके। वन और फोर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, एंगल वन एंड एंगल फोर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, थ्री एंगल थ्री कॉमा एंगल फोर। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे एंगल वन कॉमा एंगल फोर, एंगल थ्री कॉमा एंगल टू, ठीक है, और एंगल वन कॉमा एंगल फोर। ये बात हो गई किसकी, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की, थ्री टू वन फोर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अभी बताया था दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, मतलब जो पेयर दे रखा है आपको एंगल वो क्या होगा, उनका सम 180। ये बात हो गई प्रॉपर्टी की, ठीक है, मतलब ट्रांसवर्सल कट कर रही है दो पैरेलल लाइन को, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और आपके पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, क्लियर। तो आपसे पूछा जाए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, इसमें थ्री और टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, वन एंड फोर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, दोनों का सम 180, मतलब थ्री और टू का सम 180, वन और फोर का सम 180, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, थ्री और टू है, टू, ठीक है, तो एंगल थ्री प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। ये बात हो गई आपके पास किसकी, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट बात आती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमारे पास क्या था, तीन पॉइंट्स को जॉइंट कर दिए जो क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे, क्या फॉर्म करेंगे ट्रायंगल। तो ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ए बी सी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है, ट्रायंगल का एंगल का सम करके आपके पास क्या होता है, 180 डिग्री। ये बात हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी की, मतलब तीनों ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्लियर। इसी तरीके से जब आपके पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की बात होगी तो यहां पे भी आपके पास ट्राइंगल होगा एबीसी, ओके, बस आप क्या कर रहे हो, एक बीसी को प्रोड्यूस कर रहे हो आगे की तरफ, ठीक है, जिससे ये फॉर्म हो रहा है आपका एंगल, ठीक है, मतलब यहां पे आपके पास एक एंगल फॉर्म हो रहा है जो क्या है, ट्राइंगल के एक्सटीरियर पार्ट में, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, ओके, एक्सटीरियर एंगल। तो ये किसके इक्वल होता है आपका, एक्सटीरियर एंगल, देखिए इसको एंगल ए बी डी को आप कैलकुलेट कर सकते हो किसके थ्रू, ए और सी का सम, मतलब जो इंटीरियर अपोजिट एंगल जो होंगे, मतलब इसके अपोजिट ए और सी, ठीक है, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, बाहर एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, ए बी डी के इक्वल, क्लियर। ए प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए बी डी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बात हो गई एक्सटीरियर एंगल की, कैसे फाइंड करेंगे एक्सटीरियर एंगल, देखिए इसका प्रूफ भी है, तीनों ट्राइंगल का सम 180, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ए बी सी क्या है, 180 है, क्लियर। इस बी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, अगर ये थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस थीटा, यही होगी, क्लियर। तो आपने क्या करा, इस ए बी डी की वैल्यू फाइंड कर ली, ये थीटा था, बताया था थीटा, तो ये क्या होगा आपका, 180 माइनस थीटा, ओके, तो इसकी प्लेस पे आपने वैल्यू पुट कर दी, कैसे, तीनों का सम 180, क्लियर। आपने क्या करा, इस थीटा की प्लेस पे आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, क्लियर। जैसे ए बी सी क्या होगा हमारा, 180 डिग्री, ए और सी की प्लेस पे आप ए सी रखो और बी की प्लेस पे आप क्या रख दो, 180। आप बताओ बी की वैल्यू क्या होगी, यहां से 180, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल, और इसको लेस करोगे आप 180 माइनस कौन सा एंगल है, ये ए बी डी, ए बी डी किसके इक्वल होगा आपका, 180 के, आप बताओ,
ये चीज क्लियर होगी। ए सी और यहाँ पे वन, इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली, एंगल बी की वैल्यू क्या होगी 180 में से इसको लेस कर दिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी बी की वैल्यू। ओके, ये 180 180 से कैंसिल, इस ए बी डी को हमने राइट साइड ट्रांसफर, सॉरी हाँ राइट साइड ट्रांसफर कर लो आप, ये पॉजिटिव रहेगा। क्लियर, एल एच एस तो आर एच एस के इक्वल है ना हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल ए बी डी और वो इक्वल है आपका ए और सी के सम के। क्लियर, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन लाइंस एंड एंगल का इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेरेटेड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।